हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारस गिराज। तो भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज हम करने वाले हैं ग्रैंड आई 10 नियोस वर्सेस वैगनार 2014 मॉडल के बीच में ड्रैग रेस। तो भाई, देखते हैं कौन सी जीतेगी कौन सी नहीं। वैसे यार, ये तो मजाक सा हो जाएगा, पर भाई जैसा हमने क्विड में करा था, अगर आपने वाली ड्रैग रेस वीडियो देखी हो, वह मतलब क्विड को पूरी एडवांटेज दी थी, एसी भी ऑफ था, पेट्रोल में भी थी। भाई इसमें इसको हम पहले शायद सीएनजी में रखेंगे, और भाई इसका भी एसी, इसका इसको हम सीएनजी में रखेंगे, इसका एसी भी ऑन रखेंगे। तो देखते हैं भाई कौन सी जीतेगी कौन सी नहीं। वैसे इंजन वाइज बात कर ले, जो वैगनार है वो 1100 सीसी के इंजन के साथ आती है, मतलब अब तो दूसरे वाली है ये। 57 bhp मैक्सिमम पावर जनरेट करती है, और जो हमारा टॉर्क है वो 77 न्यूटन मीटर ही करती है। और वहीं बात कर ले अगर हम ग्रैंड आई 10 नियोस की, तो 1200 सीसी के इंजन के साथ आती है, और भाई मैक्सिमम पावर 68 bhp जनरेट करता है पावरफुल इंजन, और भाई 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब पूछते हैं जो भाई गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, अब ये विशाल भाई है, तो भाई ये आ चुका है अपनी ग्रैंड आई 10 नियोस में। जो जो जीतने वाली होती है उसका भाई को बताते हैं, इसलिए वही चलाते हैं। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है भाई। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है अपनी वो तो भाई मेरे को पता है। अब भाई आपको क्या लग रहा है? भाई यही जीतेगी, यही जीतेगी। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। भाई यूं बताओ, पहले सीएनजी में चलाओगे? पहले सीएनजी एसी ऑन पेट्रोल ना भाई, देखो हम अपनी पेट्रोल में कर ले शुरू में। पहले पेट्रोल, पहला सीएनजी सीएनजी कर लो, पहला दोनों पेट्रोल पेट्रोल फिर मैं तुम पेट्रोल। हां वैसे ये हल्की भी होगी वजन में, पहले दोनों पेट्रोल पेट्रोल भाई, ये हल्की है वजन में, हल्की बात होती है हल्की। अरे भाई ऐसा ना होता, क्या पता वैगनार जीत जाए। भाई जीता देना पक्का यार। अब भाई वैगनार में बैठ चुके हैं, भाई करते हैं राउंड वन को स्टार्ट। अब भाई से मरवाते हैं हॉर्न, भाई मार दो हॉर्न भाई। कर दिया हमने राउंड वन को स्टार्ट, और ये ग्रैंड आई 10 नियोस देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या है भाई, क्या है भाई, गजब बेइज्जती है भाई, क्या है, इतना फर्क हो गया। यो तो भाई बीच में घना ही फर्क हो गया, और ये भाई भाई करना यही नहीं, अभी और सुनिए भाई, माँ कसम हैंड ब्रेक लग रहा था यार। पूरे ना रहे। अब भाई हमारा राउंड वन है तो यार हो गया, मैं सोचा इसी गाड़ी में स्टार्ट के ऊपर जीत गई, ये हैंड ब्रेक लग रहा था आधा आधा नहीं, मतलब नीचे का एक पॉइंट था भाई की बात। स्टार्ट कोई बात ही नहीं भाई, अब राउंड टू को करने के लिए स्टार्ट चलते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन पे फेयर करते हैं स्टार्ट। अरे नहीं, दुए करने आप भाई कह रहे हैं एसी चलाओगे, एक और ऐसे कर लेते हैं, पर भाई गैप बहुत ज्यादा हो गया था फिर। भाई आ चुके हैं हम स्टार्टिंग पोजीशन पे राउंड टू को करने के लिए स्टार्ट, और ये भाई से पूछते हैं भाई क्या हुआ राउंड वन में, तो हार गई थी, ब्रेक लगा रह गया था भाई, हैंड ब्रेक में अब जिता दोगे वरना उससे थोड़ा हारेंगे। हां भाई, अरे भाई भाई ने एसी चला रखा है, मरना तेरे को डर नहीं लगता? चलाओगे तो हार ही जाएंगे, इस बार तो भाई ठीक है भाई। और भाई आप किस मार आओगे, एसी में? एसी बंद है भाई, एसी बंद है भाई, ने चला रखा है ले कर दिया भाई ने कर दिया है भाई, एसी बंद, आप देख लो ये एसी बंद हो चुका है ठीक है। अब भाई करते हैं हम राउंड टू को स्टार्ट, भाई अब राउंड टू को करते हैं स्टार्ट, भाई बजाएंगे हॉर्न सिग्नल देने के लिए ग्रैंड आई 10 वाले भाई को, भाई बजा दो। भाई हो चुका है राउंड टू स्टार्ट, और ये देखो भाई हमारी ग्रैंड आई 10 नियोस आगे निकल रही है भाई भाई, पर वैगनार ने अच्छी टक्कर दी है भाई, बहुत अच्छी टक्कर दी है भाई वैगनार ने, मेरे को तो भाई उम्मीद नहीं थी, जैसे पहले राउंड में बहुत पीछे रह गई थी वो तो हैंड ब्रेक के चक्कर में, और भाई राउंड टू में हमारी जीत गई, भाई ने मार दिए ड्रिफ्ट। अब भाई राउंड थ्री को करने के लिए चलते हैं स्टार्टिंग पोजीशन पे, फिर करेंगे राउंड थ्री को स्टार्ट। जीत के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा भाई, क्या जीते का हो, अच्छा लग रहा है, हार के कैसा लग रहा है ये पूछना था। भाई ग्रैंड आई 10 वाले भाई आ चुके हैं, जीत चुके हैं। अब भाई भाई राउंड थ्री में जीता देना भाई, भाई चल यहीं से कर लेना,
ना यहाँ से ना वहीं से करेंगे भाई, क्योंकि भाई वहाँ पे रोड खुला हुआ है। एसी चलाओगे? एसी चलाएंगे भाई। स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच के करते हैं राउंड 3। आ चुके हैं हम स्टार्टिंग पोजीशन पे और राउंड 3 को करने के लिए स्टार्ट हम देंगे भाई वैगनार को फुल एडवांटेज। ये चलेगी भाई सीएनजी में और इसे इसमें हम चलाएंगे एसी। भाई आ चुके हैं हम। अब भाई ये जैसे जैसे हम मैं भी बैठ गया, अभी बैठे हो उसमें, भाई अकेले बैठे हैं, वजन भी कम है और आप अब इसे सीएनजी में चलाओगे एसी ऑन करके। एसी की सोच है, एसी में चलाओ। एसी में ही चलाते हैं भाई, नहीं तो उसके साथ तो लाइन साफ ही हो रही है। रिजल्ट तो आ गया, रिजल्ट तो आ गया। अब भाई राउंड 3 को करते हैं स्टार्ट। भाई कराएंगे राउंड 3 को स्टार्ट हॉर्न देके। उन्हीं का जिम्मा है भाई हॉर्न देके राउंड 3 को स्टार्ट कराने का। भाई ने करा दिया राउंड 3 को स्टार्ट हॉर्न देके। अब हमारी जो ग्रैंड आइटेनियोस है वो हल्की सी पीछे रही थी पर भाई वैगनार ने फुल टक कर दिया। एसी का बहुत फर्क पड़ता है भाई, उस भाई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब भाई बिल्कुल हमने रोक दी है। भाई देखते हैं राउंड 4 को करके देखेंगे, पेट्रोल में कर लेंगे उसको। पेट्रोल में करने का फायदा क्या जब सीएनजी में नहीं जीत रही वो पेट्रोल? अरे इसको नहीं करेंगे पेट्रोल में, उसको कर लेंगे। सीएनजी पे चल रही है? हाँ वो सीएनजी पे चल रही है। अब भाई उसको कर लेंगे, वैगनार को कर लेंगे हम अपने पेट्रोल पे और भाई इसको सीएनजी में भी करेंगे और एसी भी ऑन करेंगे, फिर देखते हैं कौन सी जीतेगी कौन सी नहीं। अब भाई चलते हैं स्टार्टिंग पोजीशन पे और करते हैं राउंड 4 को स्टार्ट। भाई हमने 3 राउंड कर लिए हैं ग्रैंड आइटेनियोस वर्सेस वैगनार के बीच में। भाई हमारी वैगनार हारती है। पहले राउंड में तो वैगनार सीएनजी में थी और भाई दूसरे राउंड में भी वैगनार सीएनजी में थी, तीसरे राउंड में पेट्रोल में थी, इसलिए भाई राउंड 4 को नहीं कर रहे। और भाई जो हमारी ग्रैंड आइटेनियोस है वो पहले राउंड पे भी सीएनजी पे थी, दूसरे राउंड पे सीएनजी ऑन एसी, तीसरे पे भी सीएनजी ऑन एसी, फिर भी भाई वैगनार हार गई। उसमें पेट्रोल भी ऑन था और भाई एसी भी नहीं ऑन था। भाई कंक्लूजन ये रहता है कि हमारी वैगनार ही जीतती है ग्रैंड आइटेनियोस सीएनजी से। भाई फर्क तो पड़ना ही है भाई, हुंडई है पर भाई एकदम जब एसी ऑन करा था तो बहुत फर्क पड़ा था। कोई नहीं भाई, रेस हो चुकी है ख़त्म। आपने अभी तक वीडियो देखी हो और आपको ड्रैग रेस कैसी लगी है कमेंट में बताना। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और भाई आपका वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय श्री श्याम।